तो देखिए आप लोग नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा है, आसमान कितना अच्छा लग रहा है पता है, वाइट वाइट उधर और इतना सा। राधे दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे चैनल पे आप लोग का। तो अभी टाइम हो रहे हैं 12:06 करेक्ट, और अभी हम लोग सुबह का नाश्ता नहीं किए हैं, मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि सुबह उठे ना तो मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। देखिए आज मेरा चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है, तबीयत अच्छा नहीं था इसीलिए लेट से खाना बना रहे हैं। और आंसू सुबह से उठ के मोबाइल देख रहे हैं और सुबह का खाना भी नहीं खाया है वो बताइए। हाँ, और कल रात में ना आंसू पापा आए रात में 1 बजे तो केक लेकर आए थे, ऑर्डर कैंसिल हो गया था तो वही केक हम सुबह में खाए थे। आंसू यहाँ पे देखिए नहा लिया, नहा के पानी में डूबा है ना, थोड़ा जल्दी निकलो। देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है। हम ना अभी वीडियो बना लेंगे, शॉर्ट वीडियो, उसके बाद कपड़ा धोएंगे, कपड़ा भी है। देखिए आसमान कितना अच्छा लग रहा है, नीला नीला। और हमारे तुलसी जी में पानी नहीं डाले हैं, डाल देते हैं, पूजा तो शाम को करेंगे। इधर के सब लोग ड्यूटी चले जाते हैं, उधर वाले लास्ट वाले रहते हैं। देखिए दोस्तों मेरा आंसू नहा क्या गया है और आंसू पापा भी नहा लिए और नहाने के बाद वही कपड़ा डाल लिए बताइए, भी वही कपड़ा। और आंसू पीछे छुप रहा है और यहाँ पे हम खाना निकाल दिए, सुबह से देखा है फिर भी देखिए मोबाइल मांग रहा है। और हम आपको दिखाते हैं आज खाना में क्या बनाया है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। ये रहा रायता और ये चावल बनाए हैं, और ये है ना, ये जो है ये मेरा बासी है जो झारखंड वाले बोलते हैं माड़ भात, पखाला भात, पखाला भात हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं बोरे बासी। रात का थोड़ा सा चावल था इतना ही बस, तो हम इतना ही चावल को बना के खा रहे हैं। ज़्यादा पानी पानी हो गया, थोड़ा गाढ़ा रहता तो अच्छा है, मतलब ज़्यादा पानी डाल दो। इसमें कड़ी पत्ता, इमली, सांभर पाउडर सब मिला के बनाए हैं हम, इमली वाला सांभर। तो चलिए खाना स्टार्ट कीजिए, बोलो जय श्री कृष्णा, बोल दो राधे राधे, दोस्तों को नहीं बोलोगे? तो हम ये वाला खा रहे हैं कि आसो चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हैं ना, आप राजा हो? हाँ राजा हो, वहाँ पे पापा खिला रहे हैं उसको। पापा प्रजा है पापा प्रजा है, आसो राजा है ना। लो राजा खाना खा लो। पेट भरा? पेट भर गया? और देखिए इसका खाना खाएगा और मुंह पोछेगा बताइए, देखिए कितना साफ सुथरा आदमी है बताइए। टी शर्ट अपना रखा है यहाँ पे, अभी जिसको धोना पड़ेगा, पोंछ रहा है, खा रहा है, पोंछ रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम हो गए हैं, 3 बजने वाले हैं और मेरा आंसू ना सो गया। हम दोनों सॉस बना रहे थे आज, ये मेरे साथ सॉस बना रहे थे पता है, बना रहे थे ना, हम इनको बोले कि साथ में बनाएंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लोग पसंद करेंगे तो इनको बोले, तो इसीलिए बना रहे हैं, नहीं तो ये नहीं बनाते हैं। तो हम दोनों ने बनाया सॉस वीडियो और मेरा आंसू देखिए वहाँ पे मोबाइल देखते देखते सो गया। मेरा बाबू देखिए कितना मासूमियत से सो रहे थे, कितना मासूम लग रहा है ना मेरे लड्डू गोपाल। तो अभी तो अब तो हम लोग खाना तो सुबह का नाश्ता तो किए तो हम लोग को 1 बज गया था, तो और दोपहर में खाए नहीं, अब रात में एक बार खाएंगे। और हम लोग का शॉर्ट वीडियो बन गया, दोनों के दोनों बनाए, कितना 6 कि 7 बनाए हैं ज़्यादा नहीं। देखिए इतना सारा कपड़ा है पूरा, इतना को हमें धोना है, हम वहाँ पानी डाल रहे हैं, सारा कपड़ा धोना है अभी। देखिए आंसू पूरा फेंका है, आंसू पापा सो गए, आंसू यहाँ पे मेरे से बात कर रहा है, चलो कपड़ा धुन जाएंगे, सोने दीजिए, थोड़ा देर में काम पे जाएंगे पापा। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पानी ज्यादा नहीं आ रहा है, नीचे इतना पतला पानी आ रहा है। हम कपड़ा धो रहे हैं तो आंसू ना हमको परेशान कर रहा है यहाँ पे, कैमरा को ऐसा कर रहे हैं, आंसू ऐसा कर रहे हैं, नहीं करना। और कपड़ा बहुत ज़्यादा है इसीलिए हम 2 दिन से धोए नहीं थे, तो आज सारा कपड़ा धो देते हैं। और हम कपड़ा धो रहे थे, आंसू कैमरा इधर से उधर घुमा रहा है और मेरे को बोल रहा है कि मम्मा मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ, आप लोग से बात कर रहे हो, हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, पूछिए मत क्या क्या बोल रहा था, पूरा कपड़ा धोते समय मेरे को पका दिया। ये ना बताइए क्या
दोस्तों कपड़ा धो के थक गए हम, पानी पी रहे हैं अभी। और यहाँ पे देखिए रखे हैं कपड़ा, क्लिप व्लिप डाल के लेके जाएंगे सुखाने के लिए। आंसू रेडी हो गया है, मैं भी जाऊँगा बोल के। सच में कपड़ा धोते कमर पूरा एकदम से बहुत दर्द करता है। हाँ ठीक है, आएंगे थोड़ा देर में, रुको पानी पीने दो मम्मा को। कहाँ जाना है? ऊपर में क्या करने? देखिए कपड़ा सुखाने जाएंगे, आइए जल्दी बोल रहे हैं। चलो जाएंगे बेटा, देखो कितना मस्त हवा चल रहा है, वाह कितना अच्छा नज़ारा है। देखिए पूरा एकदम से मस्त नीला नीला आसमान। तो चलिए चलते हैं ऊपर कपड़े सुखाने। तो देखिए आप लोग नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा है, आसमान कितना अच्छा लग रहा है पता है, वाइट वाइट उधर और इतना सुंदर नीला नीला, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आशु यहाँ पे है, अच्छा है ना आशु, मस्त लग रहा है ना? हाँ इधर इधर नमस्कार बोल रहे हैं आप लोग को, नमस्कार बोल रहे हो, नमस्कार बोल रहे हैं मेरा बेटा। तो वो साइड में कपड़ा है, तो हमें साइड में एक और देखिए तार बंधा हुआ है, तो इसमें हम डाल देते हैं। और हम यहाँ पे कपड़ा सुखा रहे हैं। और आशु क्या कर रहा था पता है, अपना जेसीबी और ट्रक लेके आया था खेलने के लिए ऊपर में छत में, और वो पहले से ही रेडी हो गया था जाने के लिए। कपड़ा सुखा रहे हैं तो कपड़ा को ऐसे, कपड़ा के आगे से उस पार से इस पार, उस पार से इस पार ऐसे खेल रहा है, बताइए इस पार से उस पार कर रहा है। और मेरे को क्या बोल रहा था, पागल हो गया है मम्मा, पागल हो गया है, मेरे को ऐसे बोल रहा है, बताइए ऐसे बोल रहा था वो छत के ऊपर जब मैं कपड़ा सुखा रही हूँ इस टाइम पे। तो और देखिए कैसे कर रहा है, वो ऐसे ही बदमाशी करते रहता है, उसको कितना भी बोलोगे ना आप वो सुनेगा नहीं पता है, इतना थोड़ा टाइम भी मेरे को नहीं छोड़ता है। मैं बोली कि नीचे पापा है, सोए हैं पापा, तो उनके पास रहो, फिर भी वो नहीं रहा पता है, मेरे साथ आ गया। देखिए कुछ भी करूँगी तो आ जाएगा साथ में कपड़ा सुखाने के लिए पता है, कपड़ा सुखाने आऊँगी तो, नहीं तो कुछ करने आऊँगी तो, ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। तो बचा हुआ कपड़ा था जो थोड़ा सा, उसको हम इस साइड में सुखा दिए। और इतना ठंडा हवा चल रहा है कि पूछिए मत। देखिए जब हम सुखाने आए कपड़ा तो कितना अच्छा धूप था, कितना अच्छा एकदम से आसमान नीला नीला था, और अभी इतना ज़्यादा काला बादल छा गया, देखिए बारिश होगा। और हम कपड़ा अभी सुखाए, हमारा कपड़ा तो भीग जाएगा। थोड़ा ही टाइम हुआ आए हमको, कपड़ा सुखाते सुखाते ही देखिए बादल में कन्वर्ट हो गया, बादल बरसने लगेगा। थोड़ा खाना बना रहे हैं, आशुक पापा काम पे जाएंगे तो एक कमली का साग इसको तोड़ के सब्जी बनाएंगे, और सुबह का दाल बचा है। और ना हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है पता नहीं क्यों, देखिए आशुक पूरा फैला के रखा है। देखिए कमली का साग हमने धो के रखा है अच्छा से तोड़ के, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस लहसुन डालेंगे, इतना थोड़ा, एक सूखी मिर्च बस ज़्यादा नहीं। और यह इधर रख दिए चावल पकने के लिए, देखिए हमारा कुकर अच्छा नहीं इसीलिए ऐसा गिरता है। और डाल देंगे पानी से थोड़ा सा डाल के ढक देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए टमाटर डाल दिया है, टमाटर डाल दिए इसमें, दो टमाटर डाला है, इसका पानी सूखेगा फिर पक जाएगा ये। तो दोस्तों देखिए खाना खा रहे हैं हम लोग, शाम का मतलब रात का खाना, एक कमली का साग और सुबह का दाल बचा था। और इधर मेरा आशु और आशु के पापा जाएंगे अभी काम पे, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों आशु के पापा अभी जा रहे हैं काम पे, टाइम 6:30 हो गया है, और खाना वाना खा के जा रहे हैं। देखिए तो आशु क्या बोल रहे हैं पता है, मैं भी जाऊंगा बोल रहे हैं ना, मैं जाओ नहीं 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 पापा को जान दीजिए, तो एक काम पे जा रहे हैं, बाय बोल दीजिए पापा, नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, ठीक है बाय बोल दीजिए, तो मामा बोल दीजिए, मैं बोल दीजिए अभी जाना है, अभी नहीं जाना है। तो दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आशु पापा चले गए काम पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।